मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। हमें ढक 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 आवाजें आ रही थी, मैंने कहा क्या हुआ। ये देखिए, ये जो हमारा झूला है ना, ये बहुत तेजी से हिल रहा था और ये मिरर में धक धक मार रहा है, तो मिरर टूटने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो इसीलिए प्रिंस अभी तैयार होके आ रहे हैं। ये देखिए कैसे हिल रहा है, बहुत तेजी से हिल रहा है। क्योंकि मुंबई में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमने कोरोना प्रोटेक्शन का ये वाला सूट मंगा रखा था ऑनलाइन। आम लोग भी इसको मंगा सकते थे ऐसा मेंशन किया हुआ था, लेकिन ये पहन करके जब प्रिंस बाहर गए पहली बार तो सब बहुत अजीब सा देख रहे थे और ख़ुद को भी अनकम्फर्टेबल फील हो रखा था। तो ये सूट कुछ इस तरीके का आता है, लेकिन बाहर हमें तो नहीं लगा कि हम ये यूज़ कर पाएंगे। पहली बार ही एक ही बार पहन के गए थे, बट दैट फेल्ट सो वियर्ड। तो आपको क्या लगता है, आप मंगवाना चाहोगे ये वाला? लोगों ने रिएक्ट किया था कुछ अलग ही। लोगों ने वो दुकान पे जैसे गया बाबू, हाँ सब पीछे हट गए, उनको लगा भाई ये आए चेकिंग करने वाले। 550 रुपए का अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुंबई बहुत खतरे में है। सब कुछ है वो रखे हैं, वो पहने नहीं, ये देखो पूरा एड्रेस है। तो अभी तुम क्या करोगे, बाहर नहीं जा सकते पहन के ना? नहीं, नहीं, लोगों को, पड़ोसियों को लगेगा ये क्या हो रहा है। ये पूरा गिर गया और ये बहुत ज्यादा वॉल से ऐसे टक्कर खा रहा है। विंडो खोलो फटाफट। धुल गया वैसे, पूरा पानी पानी गिर गया, पूरा फ्लोर गंदा हो गया। बारिश आ रही है पूरी यहाँ पे। देखा होता तो ये विंडो तोड़ देता। ये निकालना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, कैसे करोगे? इजी था। आप नहीं गिरेगा, उड़ के नीचे तो नहीं जाएगा ना? अरे ये उड़ेगा इससे पहले तो कोई ना गिरे। चलो सो गाइस, अभी एडिटिंग कर रही थी बी नेचुरल का और वर्कआउट किया है, थक गए हैं। कहाँ जा रहे हो? आज हम आपको बताएंगे एक गुड न्यूज। उससे पहले हम आपको दिखा दें, ये रहे प्रिंस के डंबल, यहाँ वो कर रहे थे अपना जिम। और ट्रेडमिल में अंदर लेके आऊंगा। क्यों अंदर लाओगे? शिफ्ट करते हैं यार। क्यों बेडरूम में? वहाँ देखो ना क्या है, वहाँ पे तबाही मची हुई है हॉल में, इसीलिए हम ट्रेडमिल शिफ्ट करेंगे बेडरूम में। प्रिंस कह रहे हैं वहाँ पे रखते हैं, वहाँ सुबह उठेंगे और सीधा जॉब करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ जगह खाली करनी पड़ेगी ना, हमें ये टेबल हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको यहाँ रख देते हैं नीचे, तो पूरे रूम की शिफ्टिंग अदल बदल इधर से उधर होगा। वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ अमेजिंग से प्रोडक्ट्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ। तो लेट्स वॉच दैट फर्स्ट, कम ऑन। सो गाइस, अगर आप कोई एसेंशियल ऑयल ढूंढ रहे हो जो आप स्किन हेयर हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। कुछ बूंदे ही यूज़ करनी होती है किसी भी हेयर ऑयल में, मॉइस्चराइजर में या किसी भी DIY में। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको याद है मैंने आपको एक बार बोला था बी नेचुरल कि मैं आपको DIY चारकोल बनाना बताऊँगी घर पर कैसे बना सकते हो,
तो मेरे पास फिलहाल उसके इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो जैसे ही मेरे को मिल जाता है मैं डीआईवाई करके दिखा दूंगी। तब तक के लिए अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल परचेज करना चाहते हो तो इस तरीके से डीआईवाई करके यूज़ कर सकते हो, और परचेज करना है तो आप गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल आता है, काफ़ी अफोर्डेबल है, वो आप ट्राई कर सकते हो। और ये एक डब्बा आप पूरा एक साल चला सकते हो अलग अलग तरीके के डीआईवाई के लिए, अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो तो। आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था ऑरेंज पील पाउडर बनाने के लिए संतरे के छिलके को धूप में सुखाना होता है, फिर पीसना होता है, पाउडर बनाना होता है। स्किन वाइटिंग, लाइटिंग, ब्राइटिंग में हेल्प करता है। विटामिन सी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इन केस आप डीआईवाई नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऑरेंज पील पाउडर मार्केट से भी खरीद सकते हो। ये वाला अगेन गुड वाइब्स का दिखा रही, गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल होते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है। नो पैराबेन, नो क्रुएल्टी और सल्फेट फ्री होते हैं, और ये भी बहुत अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है। और ऑरेंज पील पाउडर के सारे गुण इस वाले पाउडर में मौजूद हैं, तो इन सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्लिक करके परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको नीम कैरियर ऑयल दिखा रही हूँ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं फेस के ऊपर, तो ये वाला कैरियर कोल्ड प्रेस नीम ऑयल गुड वाइब्स का आप अपने फेस पे, स्किन पे, हर जगह यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपये के आसपास, ऊपर नीचे 10 रुपये होगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कल बी नेचुरल पे भी जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो प्लीज़ अगर आप लिटरली ये चीज़ें परचेज करना चाहते हो तो अभी क्लिक करके देख लेना, क्योंकि बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ये वाला नेल पेंट अभी फिलहाल लगाया हुआ था, और फिलहाल लिप्स पे मैंने मेबलिन का ये वाली लिपस्टिक लगाई है। कलर बहुत ही खूबसूरत है और मेरा फेवरेट कलर है, ऐसे न्यूड सटल कलर मुझे बहुत पसंद है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब करते हैं शिफ्टिंग। अकेले अकेले पिया जा रहा है, मुझसे तो दिया भी नहीं जा रहा कुछ, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखना है, देखना है आपको, देखना है मिस्टर प्रिंस, मेरे कपड़ों पे क्या गिरा हुआ है, ये रोए कहाँ से लग गए भाई इतने सारे। चलो देखते हैं, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है गाइस। इधर इधर नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड बाबू, तुम इधर आओ, एक इधर चलाओ, इधर आओ। मूवीज पे दिखाते हैं ना वैसा ही लग रहा है ये, काली अंधेरी घनघोर रात। और ये है खाली हाईवे, क्योंकि रात के इस टाइम तक ट्रैफिक रहता था भाई, 1 बज रहे का, 1:30 बज रहे। हाँ तो 1:30 बजे तक रहता है यहाँ पर। हाँ भाव, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके गाइस। तो बादल देखो ना, हाँ हाँ, मुंबई का वेदर बहुत अच्छा हो गया है फिलहाल, अच्छी बात है ना। देखो साइक्लोन आया और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन था, हमारे घर की इधर तो नहीं हुआ, बट टाइम पे सबको हटा दिया था, है ना। और बाकी गुड न्यूज़ जो आपको देनी थी गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि जो आंटी जी हमारे बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव उनको हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो ठीक होकर वापस आ गई। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 70 साल की वो हैं, वो ठीक हो के वापस आ गई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो बुज़ुर्ग हैं कि उनको होएगा तो बचेंगे नहीं, नहीं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो बच सकते हैं। बस जो बताया सरकार ने, काढ़ा पियो और हाथ सैनिटाइज करो, दिन में 5-6 बार 20 सेकंड 30 सेकंड तक धोओ। तो ये बहुत अच्छा लगा, हमारी बिल्डिंग में अचानक सदमा लगा था कि हमारी बिल्डिंग में कोरोना वायरस हो गया है, पर आज मैं 8:30 बजे नीचे गया तो मुझे गुड न्यूज़ मिली। मैंने कहा अंकल, गेट कीपर को बोला, अंकल ये फूल क्यों पड़े हैं? मुझे डर लगा कि यार कुछ होता है ना, विदाई करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ तो नहीं, कहे वो थे ना जो, वो ठीक होके वापस आए। मैं कह रहा है यार, मुझे होता मैं नीचे जाके क्लैप करता, अप्रिशिएट करता, पर मौका मिला नहीं, देखा को साथ लेके जाता। पर खैर अच्छा लगा, बिल्डिंग वालों ने फूल बरसाए ना। हाँ बिल्डिंग वालों ने किए। और ये है कि अभी हमें यही लग रहा था कि यार हर जगह लॉकडाउन खुल रहा है, हमारे बिल्डिंग में आंटी जी को हो गया, अब क्या कह सकते हैं, अब करेंगे फेस, इतना 3 महीने रुके हैं तो, पर वो ठीक होके आ गए हैं तो हम बाहर जा सकते हैं। बाहर जा रहे थे, पर ये होता है कि देखभाल वो ज़्यादा प्रिकॉशन लेके डरते हुए बाहर जा रहे थे, तो कुछ चीज़ें हैं धीरे धीरे वो सब सही हो रही है, बाकी उम्मीद करते हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाए और सबकी गाड़ी पटरी पर आ जाए, मतलब स्टडी वर्क सब जो जो काम करते। स्कूल तो नहीं खुलेंगे ना बाबू? नहीं, मुझे लग रहा है अगस्त में खुलेंगे, न्यूज़ में सुन रहा था प्राइमरी जो है ना वो अगस्त में खुलेंगे, वो अभी जुलाई में ओपन होने वाले हैं बाकी बड़े बच्चों के।
यार मैंने कहीं सुना कि जैसे सर्दी जुकाम की कोई वैक्सीन नहीं है, वैसे ही इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बनेगी, तो इसके साथ जीने की आदत डाल लो। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है। अब तुम तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो भाई, पता नहीं अब क्या है। ऐसे बात तो है, जैसे वॉमिटिंग के लिए टेबलेट होती है ना, कोई वैक्सीन नहीं है। बुखार हो, जुकाम हो, दस्त हो, फूड पॉइजनिंग हो, है ना। अब आप क्या करना चाहते हो? आपने मुझे कैमरामैन बना के अपने आगे पीछे घुमा रहे, अब मैं क्या करूँ? मुझे एडिटिंग भी करनी है, मेरा व्लॉग यहाँ, मेरा वी नेचुरल शूट होता बंद हो गया कंप्यूटर। कैमरा में अभी क्या करने वाले हो? कैमरा मुझे दो, मैं करूँगा। तब से कैमरा गर्ल बना के आगे पीछे घुमाए जा रहे हो मेरे को, सच में हद हो गई आपकी। गाड़ी वाला आया, देखो गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला आया। तो इसको इस तरीके से खड़ा भी कर सकते हैं, तो ये स्पेस नहीं लेगा, है ना। तो हम पहले वहां रखने वाले थे वहां पे, पर अब सोच रहे हैं इसको यहाँ रखें। गाइस कमेंट करके बताइए, मुझे तो पूरे बेडरूम में सबसे बढ़िया जगह ये लगी है। ये देखो, नहीं नहीं अच्छा लग रहा बाबू, यहाँ अच्छा लग रहा है। नहीं देखो यहाँ स्पेस भी है ना बाबू, देखो कितना स्पेस है, यहाँ आ भी जा सकते हैं। देखो गैलरी में रख दो ना, गैलरी में मैं आ गया, देखो हम गैलरी में रख दो, मैं बता रही हूँ। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ, ठीक है यार, यहाँ अच्छा भी लग रहा है। मानो मेरी बात, आप लोग बताना बेडरूम में ऐसे कौन रखता है। अरे कोई नहीं रखता बाबू, मुंबई में बरसात आती है, यहाँ रख लो ना। पहले ये था बालकनी में, बालकनी से गैलरी में, गैलरी से अब आएगा ये टीवी के नीचे। यहाँ बहुत स्पेस है, यहाँ रखेंगे और ट्रेडमिल को फिर वहां रखेंगे। मजदूरी करा रहे हो उनसे? मैं करा रही हूँ भाई। ये जिम किसका है? तुम्हारा ही तो है, तुम्ही ने होम जिम बनाया। बस इसका प्लग किस में आएगा? बाथरूम में। दो ऑप्शन है, इस रूम में भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। अरे बाथरूम में आ जाएगा ना। ठीक है, तुम्हारे बाथरूम में भी प्लग है? तुम लोग की अमीर है, हमें जरूरत नहीं पड़ती है ना, आदमी के बाथरूम में जरूरत पड़ती है ना। गाइस इस घर में तीन बाथरूम है, तो मेरा और प्रिंस का बाथरूम अलग अलग है। अगर एक होता तो हम एक यूज करते, पर अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हमने अलग अलग ही रखा है। एक बाथरूम तो यूज ही नहीं करता, और एक बाथरूम को यूज ही नहीं करता। व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।